भरतपुर शहर में स्थायी सफाई कर्मचारियों का आंदोलन नगर निगम और सफाई कंपनी लाइन सर्विसेज लिमिटेड के गले की फांस बन गया। शहर की सफाई व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कई प्रयोग किए गए लेकिन नतीजा सिफर है। लेकिन सफाई व्यवस्था जस की तस है। कॉलोनी हो या मुख्य रोड चौराहा, सभी जगह के हालात करीब करीब एक समान है। यहाँ तक कूड़ेदान भी खाली नहीं हो पा रहे और उनमें आवारा मवेशी मुंह मारते हुए रोड पर जमे रहते हैं। यदि मुख्य रोड के साइड एवं डिवाइडर पर नजर दौड़ाई जाए तो वहां पर कूड़ा कचरा के अलावा मिट्टी के ढेर लगे हैं। इसके अलावा रोड कॉलोनी में भी जहां भी नजर दौड़ाओ वहां पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। खाली प्लाटों में कूड़ा जमा है और सफाई कंपनी लाइन सर्विसेज लिमिटेड अमला शिकायत के बावजूद वहां की सुध नहीं ले रहा। कूड़ेदान समय पर खाली नहीं हो रहे और आवारा मवेशी इसमें मुंह मारते हुए गंदगी रोड तक ला रहे हैं। इससे आवाजाही पर भी असर पड़ रहा है। सीमेंट के डस्टबिन की सफाई नहीं हो पा रही है और वह गंदगी व कूड़े से पटे हुए है। अभी शहर में आपने सफाई व्यवस्था को खुद देखा होगा, सफाई व्यवस्था पटरी पर धीरे धीरे लौटती आ रही है। मशीनें की सफाई के लिए हमारे पास एक डुलेमो 5000 व्हीकल है, जिससे हम पहले सिर्फ रात को मशीन की सफाई करते थे। हमारे पास एक और गाड़ी आ गई है जिसको हम डुलेमो 3000 कहते हैं, जो उसी मशीन का छोटा रूप है। हम दिन में उन दोनों गाड़ियों का इस्तेमाल मैनुअल स्वीपिंग के स्थान पर मशीन की स्वीपिंग के लिए करते हैं। उसके अलावा जटायु हमारा एक और मशीन है जो कि गार्बेज पिकिंग के लिए यूज़ होता है। हमारे पास आज की डेट में 3 GCB और 1 बुलडोजर है। साथ ही हमारे पास करीब 20 ट्रैक्टर्स का अपना एक जखीरा है जिसको हम शहर की सफाई व्यवस्था के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अतिरिक्त आज करीब 50 के करीब मैन पावर काम कर रही है, जो शहर में सफाई व्यवस्था को बरकरार रखने की पूरी चेष्टा कर रही है। और धीरे धीरे हमारी मैन पावर बढ़ती जा रही है और अलग अलग शहरों से अलग अलग जगहों से हमने मैनुअल मैन पावर को अरेंज किया हुआ है।